आप देख रहे हैं मैं तिंदवारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने खड़ी हूँ। यहाँ पर 19 सितंबर 2022 को आरती नाम की महिला मरीज को लेकर आई थी। महिला का आरोप है कि जिसने डॉक्टर से मिलकर बात की थी कि मेरा मरीज दर्द से तड़प रहा है, तो डॉक्टर साहब जल्द देख लीजिए। इस मामले में डॉक्टर ने उस महिला से अभद्रता से बात की, गाली गलौज करके बाहर निकाल दिया गया। सर, मैं अपने मरीज को लेके अस्पताल आई थी PHC तिंदवारी, जो कि मैं मरीज को लेके अंदर गई, सर को बुलाया। सर ने कहा कि मैं मरीज देख रहा हूँ, डॉक्टर दिनेश राजपूत। वो सर से हमने कहा कि सर देख लीजिए, मेरा मरीज तड़प रहा। तो सर ने कहा कि मैं मरीज देख रहा हूँ। मैंने कहा जी सर, मरीज जब देख लीजिएगा तो मेरा भी मरीज देख लीजिएगा। बोले कि ठीक है। फिर उनने हमें हाथ से ऐसे किया, हटो। उनने हाथ से कहा हटो। तो मैंने कहा कि सर क्या कह रहे हैं, हटे? सर मेरा मरीज तड़प रहा है, कहाँ हटे? सर ने फिर कुछ नहीं बोले। फिर बोलने के बाद थोड़ी देर बाद, 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आए। जब आधा घंटे बाद आए तो पेशेंट को मेरे हाथ भी नहीं लगाया और उनसे इन दोनों से बात करने लगे। जब इनसे बात करने लगे तो मैं उनसे पूछने लगी, पेशेंट से अपने पूछने लगी, क्योंकि उनको सुनाई नहीं सर दे रहा था। धीमे बोलती तो उनको सुनाई नहीं देता, तो मैंने उनसे तेज से बोला कि ये बताओ भाभी कहाँ दर्द हो रहा है, और सर आ गए, सर को बताओ कि कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। तो सर ने बोला तुरंत, कितना तेज से क्यों बोल रही है, इतना तेज से तू क्यों बोल रही है? ये बात बोला कि इतनी तेज से तू क्यों बोल रही है? मैंने कहा सर मेरा मरीज को सुनाई नहीं दे रहा, इसके वजह से सर मैं तेजी से बोल रही हूँ। बोले अच्छा। सर निकल के जब बाहर आए गेट के अंदर, जहाँ गेट के अंदर मैं भी आई, आने के बाद सर पकड़ के हाथ मुझे गेट के बाहर निकाल दी। आज सर मेरे साथ में निशा भी है, निशा से भी पूछा जाए सर कि गाली दिया है मेरे साथ, पेशेंट से पूछा जाए कि मेरे साथ बदतमीजी किया गया। तो क्या मामला है आपका? जिसको हम दिखाने लाए थे वो हमारी सास है, वो पथरी की मतलब मरीज, उनको बेथा दर्द होने के कारण हम उनको मतलब तिंदवारी सामुदायिक हॉस्पिटल लेकर सरकारी आए। कब आए थे? हम वही करीब आ गए हैं 2 के लगभग। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में वहाँ पर मतलब उतनी समय डॉक्टर नहीं थे, 2 कंप्यूटर थे, उन्होंने हमारी सास को 1 इंजेक्शन दिया, उसके बाद में कोई दवा नहीं। करीब 1.5 घंटा बीतने के बाद में मतलब मेरी सास डॉक्टर बुलाने गई कि चलो देख लो, तो ये इतने में ये मेरी जो आशा बहू मेरे साथ मेरी बुआ हैं ये आई। मेरी सास को क्या नाम? आशा बहू को क्या नाम? आरती सिंह। उसके बाद में मतलब उन्होंने देखा भी नहीं, ऊपर से नहीं मतलब इनको गाली दिया। फिर ये आवाज़ देते हुए बाहर निकली कि सर गाली मत दीजिए। अब जब मेरी सास ने बोला कि भैया अगर आपके पास दवा नहीं है तो आप कोई बाहर की दवा लिख दीजिए, हम मेडिकल स्टोर या कहीं से ले लेंगे, इनकी दर्द तो कम से कम कम हो जाए, तो उन्होंने बोला कि मतलब यही आशा बहू को दिखा दीजिए। फिर उसके बाद में हम निकल कर बाहर आ गए, उन्होंने मतलब ये बोल दिया कि ले जाओ, यहाँ कोई दवा नहीं। तो आज कहाँ पर खड़ी हैं? आज हम यहाँ थाने में खड़े हैं। अप्लीकेशन दे चुके? अप्लीकेशन हाँ पढ़ चुकी है। कुछ कार्रवाई हुई? डॉक्टर साहब ये बताइए, आशा बहू ना जो आई थी कल एक मरीज लेकर जोहरपुर से, उस महिला का ये भी आरोप है कि हमारा मरीज नहीं देखा गया है और डॉक्टर द्वारा गाली गलौज करके बिना इलाज के बाहर निकाल दिया गया है, तो ये मामला क्या है? देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा इलाज नहीं किया गया है, मैंने उनके बारे में हिस्ट्री ली, उनको दर्द का इंजेक्शन भी लगवाया था और मेरे साथ साथ वहाँ पर काफ़ी मरीज और मेरे स्टाफ काफ़ी लोग भी थे। जो उनका आरोप है कि मैंने गाली गलौज की, तो उसके काफ़ी सारे साक्ष्य मेरे पास जिनके आप बयान ले सकते हैं, तो ये आरोप झूठा है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।